दोनों से हटके हैं। सर, जो फ्यूचर प्रोजेक्ट्स आपके फिक्चर फिल्म है उसके बारे में बताइए कि क्या विषय है और क्या इंस्पायर किया इस फिल्म को बनाने के लिए। हाथ ऊंचे। विषय को मैं दो लाइन में कहना चाहूँगा, डर है, डराने वाला कोई नहीं, मौत है, मारने वाला कोई नहीं। ये एक पैरानॉर्मल एक्टिविटीज वाली फिल्म है। जनरली हमारे यहाँ ऐसी फिल्में नहीं बनती है, लेकिन हमारे ही ऑडियंस होते हैं जो ऐसी फिल्मों को भी हिट कराते हैं। जब ऐसी हॉलीवुड से ऐसी फिल्में आती है तो हम लोग ही उसको भी हिट कराते हैं। तो हमारी एक पहल है ऐसी एक फिल्म बनाने की, टाइटल है उसका जंगलम। ये जंगल के बारे में, दोस्तों के बारे में, अवनीत लीड कर रहा है। ये बताइए क्या कहना चाहेंगे, जो रोल है ये कितना चुनौतीपूर्ण होगा आपके लिए, क्योंकि ये थोड़ा सा लीक से हट के फिल्म है, कोई आम एवरेज फिल्म नहीं है, तो क्या कहना चाहेंगे? फर्स्ट फीचर फिल्म है मेरी और गुरुजी मेरे साथ हैं, मेरे इन्हीं से मैंने सारी चीज़ें सीखी हैं यहाँ पर और इनसे बहुत मतलब सीखने के लिए मिलता है। इसमें जो भी चुनौतियाँ हैं वो इनके साथ रहते सारी मुझे आसान लगती हैं। तो एज ए फिल्म मेकर एक बहुत ही डिफरेंट कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे, कितना रिस्क फैक्टर होगा आपको ये फिल्म आना और यू नो इस फिल्म की कामयाबी के लिए कितना ज़्यादा आपको एक चैलेंज फेस करना पड़ेगा? सर 13 साल हो गए इधर आए, सर 13 साल पहले भी कुछ आसान नहीं किया। हर दिन मैं रिस्क लेके काम करता हूँ और मुझे मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप कोई काम रिस्क लेके करते हैं तो पहले ही दिन आप एक नया काम करते हैं और नया ही करना चाहते हैं। आसान काम करना होता ना तो सरकारी नौकरी कर रहे होते। एग्जैक्टली। तो ये भी कहना चाहूँगा कि ए प्रोजेक्ट में और क्या विशेषता नजर आएगी सर, तो मतलब काफ़ी चेहरे देखेंगे, जाने माने चेहरे देखेंगे। कास्टिंग का खुलासा भी हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारी फिल्म इस वक्त कास्टिंग के ही लेवल पर है। हाँ, लेकिन ये जरूर कहूँगा कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि एक फिल्म पूरे नए कास्टिंग के साथ बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। मार्केट के सारे आर्टिस्ट होंगे, कुछ पुराने कुछ नए आर्टिस्ट होंगे। गाने काफ़ी अच्छे हैं, गणेश आचार्य जी की कोरियोग्राफी है, फिर सेतु श्रीराम सर हमारे DOP हैं, उसके बाद विशाल मिश्रा, निर्जन सोनी, आयान अली अब्बास, ऐसे नाम जुड़े हैं हमारे साथ म्यूजिक में। तो ये वो प्रोफाइल है जो मेरा कमाया हुआ है, ये वो लोग हैं जिनका आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। मेरी अपनी ऐसी हैसियत नहीं है कि मैं हर एक इंसान को पैसे से ला पाऊँ, इनका प्यार है, इनका बड़प्पन है कि ये जुड़ रहे हैं और प्रोजेक्ट को बड़ा कर रहे हैं। तो वैसे ही कुछ और भी लोग हैं, उनका प्यार मिलते रहेगा, आप लोगों का प्यार मिलते रहेगा, फिल्म देखते देखते बहुत बड़ी हो जाएगी मुझे पता है। तो शूट कंप्लीट हो गया या और बस अभी मुहूर्त है 16 तारीख को प्यार दिखाइए जगह पर आप लोग। तो क्या प्लानिंग, कहाँ शूट करेंगे, कब तक रिलीज करेंगे? महाबलेश्वर कर रहे हैं हम लोग, जंगल का लोकेशन। तो पूरे फिल्म महाबलेश्वर शूट हो गया? नहीं, तकरीबन 75% हम लोग महाबलेश्वर कर रहे हैं, 10% मुंबई कर रहे हैं और 10% हम लोग बैंकॉक कर रहे हैं। तो कब तक प्लानिंग है पड़ती दिखाने की फिल्म को? इसी साल एंड तक। कोई बड़ी फिल्म हमें स्पेस दे दे तो हम उस आड़ में अपनी जगह बना लें और नवंबर और दिसंबर तक हम आ जाएंगे। थैंक यू। Thank you. Thank you.